नमस्कार दोस्तों, धर्मार्थ लोक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बिना विलंब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि ऐसी ही सामाजिक और धार्मिक विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल धर्मार्थ लोक को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज की इस वीडियो में सुनिए शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थी जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी तो पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी ज्यादातर व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। वो व्रत के नाम पर खाना पूर्ति किया करती थी। साहूकार ने समय से दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर संतान ने जन्म लिया। वही छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी संतान जन्म लेने के तुरंत बाद मर गई। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2-3 बार हुआ। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर इसके उपचार में उपाय बताने को कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन तुम अधूरा व्रत करती थी, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिला। तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को और जन्म दिया। फिर जन्म लेने के साथ ही उस बेटे की भी मृत्यु हो गई। इस बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी हो गई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया। इसे एक कपड़े से इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उसे बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का कुछ हिस्सा बच्चे से स्पर्श हो गया और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे को मारने का कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से अगर बच्चा मर जाता तो? छोटी बहन ने बड़ी बहन को समझाते हुए कहा, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे चुने से ही तो यह दोबारा जीवित हो गया। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसी के कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत विधि विधान से करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी को सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा बनी रहे। शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। मान्यता है कि आज की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए लोग इसकी चांदनी में खीर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाकर खाते हैं और सुख समृद्धि स्वास्थ्य तथा धन प्राप्त करते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कुछ और रोचक बातें। तब तक के लिए जय श्री राम। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक बातें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी दबाना ना भूलें।
दर्शकों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।